वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि चैप्टर नंबर 6 हमारा चल रहा है सीक्वेंस एंड सीरीज, और कल हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, साथ में एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे वो कहता क्या है, कहता है कि आपने इंडिकेटेड टर्म्स को फाइंड करना है। फाइंड indicated terms of the following sequence। ठीक है, आपको कुछ sequences देगा part की form में, आपने उस sequence के अंदर जिस term की indication की गई है आपने उसको find करना है। According to smart syllabus इसका part number 1st है, उसको देखते हैं 2, 6, 11, 17, up to so on, A7। ठीक है, इट मीन कि आपने क्या करना है, आपने इसकी सेवन टर्म फाइंड करनी है। कौन सी टर्म फाइंड करनी है, आपने इसकी सेवन टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, गिवन सीक्वेंस को हम एज इट इज लिख लेंगे, 17 up to so on A7। ठीक है, एज जैसे कि A1 आपका किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, थोड़ा सा माइंड को यूज करते हुए देखना है कि किस किस्म का ये सीक्वेंस है, कि इसमें कोई नंबर्स ऐड हो रहे हैं तो वो अगला नंबर पर गए, या कोई मल्टीप्लिकेशन हो रही है, या कोई सब्ट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, अब A1 तो आपके पास 2 है, A2 क्या होगा अगर हम A1 के अंदर 4 को ऐड करते हैं। अब A1 कितना आपके पास, ये 2 है प्लस 4 तो कितना होगा, 6 अगली टर्म बन गई। अब A3 के लिए क्या करेंगे, A2 प्लस 5। ठीक है, A2 कितना आपके पास, 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11। अब यहाँ पे हमारा रिदम बनना शुरू हो गया, A4 इज इक्वल टू A3 प्लस 6। A3 कितना है, 11 प्लस 6 इज इक्वल टू 17। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जो हमने यहाँ पे कह लो कि टेक्निक यूज़ की है, उसने जो सीक्वेंस की टर्म्स थी बिल्कुल हमें एग्जैक्टली वही टर्म्स मिली हैं उस टेक्निक से। ठीक है, अब वो टेक्निक क्या है कि हर पिछली टर्म के आप जब आपकी फर्स्ट टर्म 2 है तो आपने उससे नेक्स्ट टर्म में 4 को ऐड किया। ठीक है, जब आपने 4 को ऐड किया तो अगले टर्म्स में आपने 4 के अंदर 1 ऐड करके पिछली टर्म में ऐड कर देना। अब A3 फाइंड करने के लिए आपने पिछली टर्म के अंदर 5 को ऐड किया, 5 कैसे बना, 4 में 1 ऐड करके। अब A4 के लिए क्या किया, A3 के अंदर 6 को ऐड किया, ये 5 में 1 ऐड करके। ठीक है, इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा और हम अपनी 7 टर्म फाइंड करेंगे। देखें A5 क्या होगी, A4 प्लस 7। ठीक है, अब A4 कितना आपके पास, 17 प्लस 7 इज इक्वल टू 24। देन A5 प्लस 7 में एक ऐड कर दो, 8 हो जाएगा, 24 प्लस 8 इज इक्वल टू 32। A7 इज इक्वल टू A6 प्लस 9। अब A6 कितना है, 32 है प्लस 9, ये आपके पास 41 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसकी रिक्वायर्ड टर्म लिखेंगे, रिक्वायर्ड टर्म। ठीक है, वो रिक्वायर्ड टर्म कौन सी आपकी, A7 इज इक्वल टू 41। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब इसका पार्ट नंबर 5, और उसमें आपको सीक्वेंस दिया गया है 1, -3, 5, -7, 9, -11, up to so on A8। इट मीन कि आपने इस सीक्वेंस की 8वीं टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने पिछले क्वेश्चन पे काम किया है, इसी तरह आप इस पे काम करेंगे।
ठीक है, आप पहले क्या करेंगे, कोई टेक्निक जो है बनाएंगे, ठीक है, जिससे आपको सीक्वेंस की एग्जैक्टली टर्म्स मिलना शुरू हो जाएंगे। जब आपको सीक्वेंस की एग्जैक्टली टर्म्स मिलना शुरू हो जाएंगी, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब देखें, इस सीक्वेंस में के कह लो कि दो हिस्से बन रहे हैं। एक में आपके पास पॉजिटिव टर्म्स आ रही हैं और एक में आपके पास नेगेटिव टर्म्स आ रही हैं, ठीक है। ये देखें, ये आपकी कौन सी है, नेगेटिव टर्म्स, ठीक है। और इसको यूं समझ लें कि आपके पास एक सीक्वेंस है ऑड टर्म्स का और एक सीक्वेंस आपका इवन टर्म्स का, ठीक है। इसको हम यूं कंसिडर कर लेते हैं। अब देखते हैं इसको हमने चलाना कैसे है। चलिए देखें, एज या पहले हम अपना सीक्वेंस लिख लेते हैं अगेन सॉल्यूशन में। 1 -1 5 -7 11 -11 अप टू सो ऑन A8, ठीक है। अब इसके मैं दो पोर्शन बना लेता हूँ। कितने पोर्शन बना लेते हैं हम इसके, दो पोर्शन बना लेते हैं, ठीक है। एज जैसे कि A1 जो पॉजिटिव सीक्वेंस है, ठीक है, उसमें आपकी फर्स्ट टर्म क्या है, 1। अब सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, A1 + 4। A1 कितना आपके पास, 1 + 4, तो कितना आ जाएगा, 5। ये देखें, अगर आप गौर करें तो आपको अगली टर्म मिल गई है। पहली टर्म आपने ये कंसिडर की थी, अब आपको ये अगले वाली टर्म मिल गई है। अब देखें इसकी थर्ड टर्म, A3 = A2 + 4। A2 कितना है, 5 + 4, तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसी तरह आपके पास ए, अब फोर टर्म जो है वो आपकी कौन सी है, ये तो नेगेटिव की है, इसको हम कंसिडर नहीं करें। हम डायरेक्टली किस पे चले जाएंगे, हम 5 पे चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास आएगी, सॉरी, ये थर्ड टर्म बनेगी। दिस वन इज टू बी थर्ड टर्म एंड दिस वन इज फिफ्थ टर्म, ओके, ठीक है। अब फिफ्थ के बाद आपकी आएगी सेवन टर्म। अब सेवन टर्म देखिए अपनी जरा, तो सेवन टर्म में आपके पास क्या है, अब आप पिछली में ही काम पिछली पे ही करना है सारा, तो क्या होगा, A5 + 4। A5 कितना है, 9 + 4, कितना आपके पास आ जाएगा, 13। अब सेकंड सीक्वेंस पे काम करते हैं, एज A2, ये आपका A2 है। A2 कितना है यहाँ पे, -3 है। अब आपने अगली टर्म ये बनानी है नेगेटिव वाली, तो ये टर्म बनती कौन सी है, 1 2 3 4 टर्म आपने फाइंड करनी है। तो आपके पास आएगा A4 = A2 - 4। A2 कितना है, -3 - 4, आंसर इज -7। तो ये देखिए ये टर्म बन गई। अब उससे अगली नेगेटिव टर्म कौन सी है, ये वाली है। तो ये आपके पास टर्म कौन सी होगी, दिस वन इज टू बी नंबर 6, ठीक है जी। नंबर 6 में क्या होगा, A4 - 4। A4 कितना है, -7 - 4 - 11। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 8th टर्म, ये वाली, ठीक है। अब आपके पास ए टर्म देखें तो क्या करेंगे, A6 - 4। A6 कितना आपके पास, -11 - 4, तो -15 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपकी रिक्वायर्ड टर्म क्या होगी, रिक्वायर्ड टर्म A8 = -15, ठीक है, ये आपकी टर्म बनेगी। अब कह लो कि ये वाला जो आपका पोर्शन था, ये आपका और टर्म का है, और ये जो पोर्शन है आपका ये किसका है, इवन टर्म्स का, ठीक है। और आपको जो फाइंड करना थी वो एक इवन टर्म फाइंड करना थी, A8, ठीक है। जी नेक्स्ट देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 6.1, ठीक है।
और इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कहता है फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। ठीक है, आपको सीक्वेंसेस दिए गए हैं पार्ट्स की फॉर्म में, आपने उसकी नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड करनी है। पार्ट नंबर 3 है -1, 2, 12 एंड 40 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसकी नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड करनी है कि वो नेक्स्ट टू टर्म क्या होगी इसकी। ठीक है जी, तो देखते हैं, इसके लिए आपको पहले भी बताया गया है, आपने जो है ना एक टेक्निक बनानी होती है। ठीक है, वो टेक्निक सीक्वेंस की दी गई टर्म्स को सेटिस्फाइड करती हो। ठीक है, तो फिर आप उससे जो अगली टर्म आपको चाहिए, 2 चाहिए 4 चाहिए, तो वो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, गिवन हमें सीक्वेंस गिवन है -1, 2, 12, 40 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो देखते हैं इसकी फर्स्ट टर्म, एज a1 = -1। अब यहाँ पे इसमें मल्टीपल की फॉर्म हमें नजर आ रही है, कौन सी फॉर्म नजर आ रही है, मल्टीपल की। a1 को ही हम दोबारा कंसीडर करेंगे, -1 × 10⁻²⁰ तो -1 × 0⁻¹ = -1। नेक्स्ट a2, अब a2 क्या होगा आपके पास, वही बात, 1 × 2⁻¹। ठीक है, तो कितना होगा, 1 × 2 = 2। अब आपको मैं इस यहाँ पे डिफरेंस भी समझाता हूँ, ये कैसे आ रहा है, एक टर्म और लिख रहे हैं हम, a3 × 3 × 2⁻²। 3 × 4 = 12। The next one is a4, 3 × 5 × 2⁻³ = 5 × 8 = 40। अब हम नेक्स्टली इस टेक्निक को सीखना है, जिस टेक्निक ने हमारे सीक्वेंस की तमाम टर्म्स को वेरीफाई कर दी है। ठीक है, चलें देखते हैं अब इस सीक्वेंस को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर a1 पे गौर करें तो वो आपके पास -1 है। ठीक है, तो अगेन हमने a1 के ऊपर काम किया और लिखा -1 × 2⁻¹। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से समझिएगा, ये देखें -1 एक टर्म है और उससे नीचे आपके पास 1 है, इन दो की मैं पहले बात करता हूँ। ठीक है, अब -1 में आप कितने ऐड करें, 2, तो आपके पास कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब इसी तरह अगले 2 के अंदर ये चीज़ कितना आपके पास, 1 और 3 है, 1 और 3, 1 के अंदर कितना ऐड करें, 2, कितना बनेगा, 3। इसी तरह नेक्स्ट 2 में देखें ये चीज़ कितना आपके पास, 3 और 5 में कितना ऐड करें, 3 में कितना ऐड करें, 5 बनता है 2। ठीक है, तो ये हमें टेक्निक का पता चल गया। अब इस साइड पे क्या है, इसमें आपने 2⁻¹ लेनी है। ठीक है, 2⁻¹ पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर अप टू इस तरह सो ऑन। अब हमने क्योंकि नेक्स्ट 2 टर्म लिखनी है, a4 तक चले गए हैं, अब a5 देखें बड़ा ईजिली लिख लेंगे आप, a5 क्या होगी, 5 + 2 = 7 × 2⁴, 7 × 16 = 1 1 12, a6 = 7 2 9 × 2⁻¹ = 5, 9 × 32 = 2 8 8। ठीक है, लास्ट में मेंशन करेंगे रिक्वायर्ड नेक्स्ट 2 terms are 1 1 2 and 2 2 8। ठीक है, तो ये था आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। अब आप इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आप लोग खुद करेंगे, और ये कह लो कि बिल्कुल एज इट इज़ है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 सॉल्व किया था, बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, वहाँ पे आपने a टर्म तक काम किया था, यहाँ पे कह लो कि आपने जो है वो
नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड करनी है, मीन के फाइव टर्म्स आपको दी गई हैं, आपने सिक्स और सेवन्थ टर्म को फाइंड करना है, लेकिन कंबाइन फाइंड करना है, फाइव में आपने दो ही से बनाए थे उस पार्ट के, ठीक है। फिर भी अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ ले, मैं वहाँ पे आंसर कर दूँगा। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।